नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पीएम मोदी ने कहा, हिंदू दर्शन तमाम समस्याओं का हल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिकागो में कहा कि हिंदू दर्शन के विभिन्न पहलू विश्व के समक्ष पेश कई समस्याओं का हल दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने हिंदुत्व के विचारों से और लोगों को जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का आह्वान किया। मोदी ने दूसरे विश्व हिंदू कांग्रेस को भेजे अपने संदेश में कहा कि विभिन्न प्राचीन महाकाव्यों एवं शास्त्रों को डिजिटल स्वरूप में लाने से युवा पीढ़ी उनके साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकेगी। उन्होंने कहा, यह आने वाली पीढ़ी के लिए महान सेवा होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि अब देश में वैकल्पिक विमर्श पर गौर करने और अपनाने की जरूरत है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सरकार में किसान और नौजवान परेशान हैं, वहीं दलितों एवं अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का भाव है। मनमोहन सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की पुस्तक शेड्स ऑफ ट्रुथ के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। विपक्ष के 10 सितंबर को भारत बंद के आह्वान से तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाई। तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों के 10 सितंबर के भारत बंद को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है। पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा कि इसके बजाय तृणमूल कांग्रेस उस दिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और रुपए के गिरते मूल्य के विरोध में समूचे राज्य में प्रदर्शन करेगी। चटर्जी ने संवाददाताओं से कहा, हम लोग हड़ताल का विरोध नहीं कर रहे हैं और न ही हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल नहीं चाहती कि इससे जनजीवन प्रभावित हो। जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होगा समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। दो वयस्क लोगों के बीच परस्पर सहमति से बने समलैंगिक संबंध देश में अब अपराध नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ नहीं होगा। असल में धारा 370 के तहत मिली छूट की वजह से आईपीसी की धाराएं स्वतः जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। राज्य का अपना अलग संविधान और अलग दंड संहिता है। आरपीसी को राज्य के डोगरा वंश के शासक रणवीर सिंह ने लागू किया था। आरपीसी के तहत सभी तरह के अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध माना जाता है। अनशन कर रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अस्पताल में भर्ती। पिछले 14 दिनों से अनशन कर रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 16 सिविल अस्पताल के चिकित्सकों ने कहा कि उनके शरीर के सभी प्रमुख अंग ठीक से काम कर रहे हैं। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने कहा कि हार्दिक अस्पताल से अनशन जारी रखेंगे। हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेतृत्वकर्ता हैं। हार्दिक ने अस्पताल से ट्वीट किया कि उनका अनशन जारी रहेगा। भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू। चुनावी राज्यों को फतह करने का खींचेगी खाका। बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अध्यक्षीय भाषण के पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में एजेंडा तय होगा। अध्यक्षीय भाषण के बाद सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने राज्यों की रिपोर्टिंग देंगे। चुनावी राज्यों पर अलग अलग चर्चा कर रणनीति तैयार की जाएगी। एक पूरा सत्र लोकसभा चुनाव की तैयारियों की चर्चा पर होगी। बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति से संबंधित प्रस्ताव पारित होंगे। इसके अलावा दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बैठक के अंत में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। चीन ने कारोबार के लिए नेपाल को जमीन और बंदरगाह इस्तेमाल करने की दी अनुमति। भारत के पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। भारी भरकम कर्ज बांटने के साथ ही चीन अब अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने की नई चाल चल रहा है। इसी क्रम में चीन ने नेपाल को अपने 4 बंदरगाहों और 3 लैंड पोर्टों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। चीन का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए जमीन से घिरे नेपाल की भारत पर निर्भरता कम हो जाएगी। SBI ने ग्राहकों को फिर भेजा अलर्ट, इग्नोर करने पर बंद हो जाएगा ट्रांजैक्शन। SBI की ओर से भेजे गए मैसेज में लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार आपके खाते में KYC दस्तावेजों को अपडेट किया जाना है। नवीनतम KYC दस्तावेजों के साथ अपनी SBI शाखा में जाकर संपर्क करें। KYC अपडेट नहीं किए जाने की स्थिति में आपके खाते में भविष्य में किए जाने वाले लेन देन पर रोक लगा दी जाएगी। SBI की तरफ से ग्राहकों को यह मैसेज कई बार भेजा गया है। यह SMS ऐसे उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है जिनका KYC अधूरा है। CNG पंप के मालिक बनने का मौका, जारी होंगे 10,000 नए लाइसेंस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत में सन 2030 तक 10,000 CNG स्टेशन खोले जाएंगे। अप्रैल 2018 तक देश में कुल 1424 CNG स्टेशन हैं। ये CNG स्टेशन भारत में बेची जा रही 30 लाख कारों में CNG सप्लाई करते हैं। ऐसे में अगर आप भी CNG पंप के मालिक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। कैंसर से जंग लड़ रही सोनाली बेंद्रे विधायक ने दे दी श्रद्धांजलि। मुंबई की घाटकोपर पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक राम कदम लगातार अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। दही हांडी उत्सव के दौरान शहर के लड़कों को लड़की भगाने में मदद करने का ऑफर देने पर बवाल थमा भी नहीं था कि उन्होंने कैंसर से जूझ रही अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे को श्रद्धांजलि तक दे डाली। हालांकि बाद में भूल का एहसास होने पर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया और सोनाली बेंद्रे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।